happy people are happy there in their worldly life. ठीक है जी, हरिओम हरिओम हरिओम. आलोक जी आपका क्वेश्चन है कोई? हरिओम जी, हरिओम आलोक जी आपका कोई क्वेश्चन है? हरिओम गुरु जी, नहीं. अच्छा अच्छा माय अपरा. सो आध्यात्मिक स्पेक्ट्रम है. You eat food, but you don't need to know all the cooking ingredients. You enjoy foods. और वो food सबके लिए जरूरी है. Food कैसे cook किया जाए उसके लिए experts होते हैं. New dishes निकालते हैं, new ideas निकालते हैं. Similarly, we need spirituality. Spirituality is a food for soul. स्पिरिचुअलिटी बुद्धि मन बुद्धि के लिए ही आहार है. तो यदि कोई पका के दे देता आपको सर, ठीक है, बेसिक कुकिंग आनी चाहिए. 2 मिनट नूडल बना लो बस, ताकि हंगरी ना हो. लेकिन कुकिंग की निटिग्रिटी सबको आए ये जरूरी. भूख जरूरी, भूख सबको है, भूख सबको है, लेकिन कुकिंग सबको आए जरूरी नहीं. हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो करके हमारे सामने परोस देते हैं. एंड यू रिलिश दोस फूड बिकॉज इट इज कंड्यूसिव फॉर योर हेल्थ. तो हर आदमी को आश्रमों में आके शास्त्र पढ़ने, गुरु के पास जाना. भगवान कृष्ण जी कहते हैं हजारों लाखों में से कोई एक ही आता है, तो उसमें से भी कोई रेयर वन है जो सीरियस स्टडी करता है. एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी के 12वें अध्याय में 4 ऑप्शंस देते हैं. 8वां, 9वां, 10वां, 11वां श्लोक. इनक्रेडिबल पोर्शन है जी ये गीता जी का. और इतना बड़ा स्पेक्ट्रम किसी और सिस्टम में नहीं मिलेगा. 8th वर्स में भगवान जी कहते हैं, चैप्टर नंबर 12, मई बुद्धिम निवेशया, मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि. The word that he uses is a nivesha. Nivesh means investment. आपको मैं बोलूं वहां इन्वेस्ट करो जहां 100% चांसेस हैं आपके पैसे डूब जाएंगे, विल यू इन्वेस्ट? आप वहीं इन्वेस्ट करोगे जहां पे गारंटी है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा, मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा, इंश्योर्ड. जैसे बैंक में आपके सारे पैसे सिक्योर नहीं है जी. यू मे हैव 20 लाख रुपीस इन योर बैंक, द ओनली अमाउंट सिक्योर्ड इज 5 लाख रुपीस. दैट्स द टेक्निकल टर्म्स. 5 लाख तक आपका अमाउंट सिक्योर्ड है बैंक में, किसी भी बैंक में. बट यू पुट योर मनी क्योंकि चांसेस है प्रिंसिपल मिल जाएगा. आपको बोल दिया जाए कि बैंक में पैसा सिक्योर नहीं है, तो यू विल नॉट पुट योर मनी इन द बैंक्स, इन निवेश है. तो भगवान जी कहते हैं मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, तो मुझे प्राप्त होगा, इस बात में कोई भी संशय नहीं. दिस इज द फर्स्ट वर्ड, वर्स नंबर 8. वर्स नंबर 9 में भगवान कहते हैं गर तू मेरे में मन बुद्धि लगाने में सक्षम नहीं है. मन बुद्धि मीन्स ध्यान लगा, हाईएस्ट साधना इज मेडिटेशन. वर्स नंबर 8, चैप्टर नंबर 12, द भगवान सेज मई बुद्धिम निवेशया, मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, तो मुझे प्राप्त होगा. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, अभ्यास योगेन. वर्स नंबर 9 सेज अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर.
अपने मन को ध्यान में लगाने के लिए प्रयास कर। तो वर्स नंबर 8 टॉक्स अबाउट मई बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगा, नहीं कर सकता प्रैक्टिस कर। अगर प्रैक्टिस करते वक्त भी ध्यान नहीं लगता देन डोंट मेडिटेट प्लीज। मेडिटेशन इज द लास्ट स्टेप इन स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। हाईएस्ट साधना इज ध्यान। ध्यान नहीं लगा सकते तो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते तो भगवान जी से निमित्त मात्रम में वाप। वर्स नंबर 10 सेज जो भी तुझे कर्म मिला, ध्यान छोड़ दे, अभ्यास छोड़ दे, फिर क्या कर, जो भी तुझे कर्म मिला, यू मे बी टीचर, बुचर, प्रीचर, वेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लॉयर, कारपेंटर, प्लम्बर, डजंट मैटर, जो भी तुझे नियति ने हाईएस्ट साधना ध्यान है, ध्यान नहीं कर सकते तो ध्यान का अभ्यास है, वो नहीं कर सकते तो जो भी नियति ने आपको ऑब्लिगेटेड ड्यूटी दी है उस कर्म को निमित्त मात्र में वापी। ऐसे करो जैसे मैं नहीं कर रहा, प्रभु ने मुझे इस कर्म के लिए युज किया। और अगर परमात्मा ने, नेचर ने, टोटालिटी ने मुझे कर्म के लिए प्रोत्साहित किया तो इट मीन्स आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस। हाईएस्ट साधना इस ध्यान, ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान अभ्यास, अभ्यास नहीं कर सकते, निमित्त मात्र में वापी, सारे कर्मों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लॉर्ड होके करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो वर्स नंबर 11 से सारे कर्मों के फलों को स्वीकार त्याग दो। मीनिंग व्हाट एवर इज द आउटकम ऑफ योर एक्शन। हाईएस्ट साधना ध्यान, ध्यान नहीं कर सकते, अभ्यास, अभ्यास नहीं कर सकते तो निमित्त मात्र में वापी, वो भी नहीं कर सकते तो जो भी आपने सेल्फिश, स्वार्थ, गुस्से, क्रोध, भय, लाभ, हानि, सुख, दुख से जो भी कर्म किया है उसका जो भी परिणाम हो, व्हाटएवर इज द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाटएवर इज द रिजल्ट ऑफ योर एंडेवर, एक्सेप्टेड विद द ग्रेस, उसके फल को स्वीकार कर। डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा हो ऐसा। तो स्पेक्ट्रम में ध्यान सबसे हाईएस्ट है, वो नहीं कर सकते तो अभ्यास, अभ्यास नहीं कर सकते तो सारे कर्मों को निमित्त होके करो, वो नहीं कर सकते तो जो भी रिजल्ट आपको मिला है लाइफ में, अच्छा, बुरा, मीडियोकर, एक्सेप्टेड विद द ग्रेस। यदि वो भी नहीं कर सकते देन गो टू हेल। ये भगवान जी ने नहीं बोला, मैं बोलू, देन नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन सेव। और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है, वी डोंट एक्सेप्ट व्हाट वी गेट। जो भी हमें कुदरत नेचर ने मिला, जो परिवार हमें दिया, जो माँ बाप दिए, जो परिवेश, जो समाज दिया, जो घर गृहस्थी दिए, जो सब स्वरूप दिए, उसको कह प्रभु तेरी तेरी इच्छा यही थी तो आई एक्सेप्ट इट। बट एंड ऑफ द डे जो एक्सटर्नली जरूरी है वो करो प्लीज। यदि बीमारी है ये ना कहो कि ओके प्रभु मुझे स्वीकार है बीमारी, ओके स्वीकार है, लेकिन डू ऑल व्हाट इज सपोज टू डू। हम वही परेशान थे, वी डोंट एक्सेप्ट व्हाट वी गेट। उसी सारे मसले में हम दुनिया रोता पीटता रहता है। तो आई थॉट दिस इज अ ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ चैप्टर 12। अब हम यहीं पे गीता अकेडमी में यहीं क्वेश्चन कर रहे थे, कल या परसों हमने इसी पोर्शन की किया तो मुझे दिमाग में मुझे याद था। आजकल हम चैप्टर 13 कर रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञम चापि हम विद्धि सर्व क्षेत्र शुभारत। ज्ञान मार्ग का बहुत सुंदर पाठ है। क्षेत्र क्षेत्र में, क्षेत्र मैंने मंदिर, क्षेत्र मीन्स मंदिर में बैठे विराजमान। तो ये शरीर जो है एक क्षेत्र है, हम हिंदी भाषा में कहते हैं क्षेत्रफल क्या, हम हिंदी भाषा में भी बोलते हैं क्षेत्रफल क्या। क्षेत्र मीन जगह, जमीन, जगह। क्षेत्रज्ञ मीन्स उस जमीन पे, उस पे विराजमान लाइफ। क्षेत्र का एक और मतलब है मंदिर, क्षेत्र मतलब मंदिर, क्षेत्रज्ञ मीन्स उस मंदिर में बैठे विराजमान भगवान श्री कृष्ण। तो
कोई ना कोई किसी ना किसी स्तर पे आके कोई भी अध्याय ले लो गीता जी का, हर अध्याय में मसाले ही मसाले जो आपके जीवन के स्वाद को बढ़ा देंगे। 11वें अध्याय में विश्व रूप है, 10वें में विभूति है, 13वें में क्षेत्र क्षेत्र, 14 में गुणत्रय विभाग। Why I'm bringing this whole thing together is हमारा एक ही मकसद है, वो है गीता जी को एक बहुत पॉपुलर किताब करना, मेक इट लाइक ए बेस्ट सेलर। उस भगवत गीता के एक आइडिया से अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं लोग, एक एक आइडिया को। I'm not against money, please, that's all. लेकिन जो जहां से गंगा निकली है वहीं तो वहां तो जाए, गंगोत्री तो देखे, जहां विचारों की गंगोत्री है गंगा गीता जी। हमारे शास्त्रों में ना गर्ष बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौ से गौ माता, गंगा जी, गायत्री, गीता, गुरु, गुणास, गर्ष बड़ा इंटरेस्टिंग है। गीता जी, गुरु, गंगा जी, गायत्री, गौमुख, गणपति और झगड़ा खराब है, झंझट, झमेला, झगड़ा, झाड़ू, झंझनाहट, झनकार इत्यादि। सो जो गीता जी है उसको एक मुश्किल किताब मत बनाओ बस प्लीज, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इससे ज्यादा मुश्किल किताबें हम पढ़ते हैं जब सर पे पर टिक्नोमेट्री जैसी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कहां यूज करिए आपने जी बता दीजिए मुझे, कहां यूज करिए अपने पैथागोरस की थ्योरम मुझे, कहां यूज करिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कहां यूज करिए आपने लॉग टेबल्स, कहां यूज करिए आपने स्कूल में पढ़े हुए केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलेस, कहां यूज करिए आपने थर्मोडायनामिक्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सारे लॉस, पढ़े कि नहीं पढ़े, मैथमेटिक्स में कितने अलजेब्रा, टेक्नोमेट्री और स्टेटिस्टिक्स पढ़ी, हाथ में उंगलियों में गड्ढे पड़ गए लिखते लिखते उनके आंसर को, एग्जामिनेशन हॉल में इतने लंबे आंसर लिखे हाथ में गड्ढे पड़ गए, उंगली दब गई हमारी, कहां यूज हुआ आपको बता दो मुझे। अरबों खरबों लोगों ने पढ़ा होगा, 0.01% ने यूज किया होगा शायद, और जब तक यूज किया गया कंप्यूटराइज इतना अच्छा आ गया कि लॉग टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मेरे आईफोन में ही ऐसा सिस्टम है, मोबाइल में भी है कि इंच टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो फोन को दे दो उसी से वो उसका साइज ढूंढ लेते। इतना भयंकर भयंकर ज्ञान हमने 14-14 साल झक मार के पढ़े, और ये ज्ञान आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, वो आप इसलिए नहीं पढ़ते बहुत मुश्किल है। किसने बोला मुश्किल है गीता जी, मुझे बता तो दो दुनिया में कौन सा आदमी है जो कहता है बड़ा मुश्किल है। हाँ, अप्लाई करना मुश्किल है, दैट आई एक्सेप्ट, पर समझना तो इतना मुश्किल है। इसे बड़े बड़े भयंकर ग्रंथ हमने रट्टे मार 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 के पढ़े, कितनी कैपिटल्स याद करी ज्योग्राफी, कितने नक्शे याद करे, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन से लेकर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, कैपिटल्स है कौन सी, दुनिया की सबसे रेलवे लाइन 26,870 किलोमीटर लंबी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, व्लादिवोस्तोक से लेनिनग्राद वाया मॉस्को,
मुझे आज तक रट्टे मरे हुए याद है, और जब बड़े हुए तो रशे 12 टुकड़ों में टूट गए। I'm not against school education, you need it. But वो आपको लिविंग दे सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं दे सकते, वो आपको लाइफ दे सकते, लाइफ स्टाइल दे सकती है। संसारिक ज्ञान आपको लाइफ स्टाइल दे सकती है, जॉब दे सकती है ऑफकोर्स, लेकिन हैप्पीनेस नहीं दे सकते। तो गीता जी का हम सिंप्लीफाइड करके, जब मैंने गीता जी किताब लिखी तो मेरा पहले मकसद था मेरा उस किताब का नाम लिखने का, भगवद गीता फॉर इडियट्स। फिर मैंने कहा नहीं, लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं। जैसे वेस्ट में किताबें मिलती हैं, कारपेंट्री फॉर डमीज, कारपेंट्री फॉर इडियट्स, प्लम्बरिंग फॉर डमीज, किताबें मिलती हैं। तो पूरा का पूरा प्रयास ये है कि इस भगवत गीता के ज्ञान को, और एक श्लोक मैंने बताया तो 8वां 9वां 10वां 11वां, भक्त के गुण, ज्ञानी के गुण, सत्व रजस तमस पुरुषोत्तम योग, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक कर्ता, राजसिक, कौन सी बात है जो दिमाग की हमने गीता जी में छोड़ दी है। So, आइए प्लीज, मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पर मगर, मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पर मगर, लोग मुझे मिलते रहे और कारवां बढ़ता रहा। तो इस कारवां को आगे बढ़ाएं, आए आप और इस नॉलेज को मशाल आगे बढ़ाएं। इसलिए मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट से, मुझे 7 और 8 स्टूडेंट सिंसियर मिल जाए जो इसको लाइफ लाइफ में यूज करना चाहते हैं, इन द सेंस आगे प्रमोट करना चाहते हैं, इस नॉलेज को प्रचारक बनाना चाहते हैं। 7-8 प्रचारक आ जाए मेरे पास जो गीता जी को जनमानस तक लाना चाहते हैं, इस पवित्र पावन ग्रंथ को, गंगा की गंगोत्री को लेके, ज्ञान की गंगोत्री और गीता जी की गंगोत्री को लेके, ऋषिकेश से मिला ये पानी पूरे भारत पूरी दुनिया तक प्यास बुझाए। गंगा सिर्फ ऋषिकेश हरिद्वार के लिए नहीं है, ये अब बंगाल तक जाती है, पूरे रास्ते में प्यासों की प्यास बुझाए। और बस इतना सा ख्वाब है, तो आप आइए, साथ मिलिए, हमारे जुड़िए, किसी भी रूप से जुड़ सकते हो। वी आर नॉट ए मनी माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, आई मस्ट टेल यू दिस, बिकॉज भगवान जी कहते हैं योग क्षेम महमय, तो मेरी शरण में आ जा, माश हो जा, मैं तुझे योग भी दूंगा क्षेम भी दूंगा। तो हम भीख का कटोरा लेके किसी के सामने नहीं घूमते, किसी के भी सामने नहीं, हम भगवान से नहीं मांगते तो इंसान से क्यों मांगेंगे। हम भगवान से मांगने की बात नहीं स्वीकार करते, अर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी की बात करते हैं। भगवान जी चापरा के लोग आते हैं, कोई पैसे के लिए, कोई मन के सुख के लिए, बुद्धि के सुख के लिए, भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त है ही नहीं रियल। तो वी डोंट एक्सपेक्ट यू, की हम ये नहीं कि कोई फंड रेजिंग कर रहे हैं, आज तक हमने कोई फंड रेजिंग नहीं करी, बट आई वॉन्ट योर हेल्प कि आप आए, यंगस्टर्स को बुलाएं, स्पेंड सम टाइम हियर, और इस गंगा को, ज्ञान को, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, इसको लेके, चाहे लड़के हो लड़कियों, कोई हो, 18 से 30 साल का हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, 18 से 30 साल की उम्र के, फरवरी से नवंबर तक 10 महीने का कोर्स है, यंगस्टर पढ़े और इसको एक लाइफस्टाइल बनाए, बस इतना सा ख्वाब है, सोचिएगा इस पर। इसी विचार के साथ हरि ओम दिस्से। ओम।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।